नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनाली। ज्ञानवापी केस में एक बार फिर मुस्लिम पक्ष को झटका लग सकता है और ज्ञानवापी मस्जिद में जिस जगह पर शिवलिंग पाया गया है उस जगह पर मुसलमानों की एंट्री बैन हो सकती है। दरअसल इस मांग को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 8 नवंबर को इस पर बड़ा फैसला आने की उम्मीद है। इस रिपोर्ट में देखिए, वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी केस में सुनवाई पूरी हो गई है। फास्ट ट्रैक अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 8 नवंबर को कोर्ट फैसला सुनाएगी। दरअसल ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग की पूजा अर्चना करने और उस स्थान पर मुसलमानों के प्रवेश पर मनाही के आदेश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई की जाए या नहीं, इसको लेकर फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष के वकील ने बताया कि भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में याचिका पर सुनवाई हो या नहीं, इसको लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने अपनी अपनी बहस पूरी कर ली थी और अब इस मामले में आदेश आना है। इस मामले पर 8 नवंबर तक के लिए आदेश को सुरक्षित रख लिया गया है। बता दें कि वादी किरण सिंह ने 24 मई को जिला अदालत में ये बात दाखिल किया था। याचिका में मुसलमानों को ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश मना करने, परिसर को हिंदुओं को सौंपने के साथ ही परिसर में मिले शिवलिंग की नियमित पूजा अर्चना करने का अधिकार देने का अनुरोध किया है। इस वाद में वाराणसी के जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, अंजुमन इंतजामिया कमेटी के साथ ही विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को प्रतिवादी बनाया गया है। बता दें कि 25 मई को जिला जज ए.के. विश्वेश ने याचिका को फास्ट ट्रैक अदालत में ट्रांसफर कर दिया था, जहां उस याचिका पर सुनवाई हो या नहीं इसके फैसले को सुरक्षित रखा गया। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में बंद पड़े दो तहखानों के सर्वेक्षण के आलोक में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई के लिए 2 नवंबर की तारीख तय की गई है। इसके साथ ही अदालत ने मुस्लिम पक्ष के वकीलों के समय पर आपत्ति दर्ज न करा पाने के लिए मुस्लिम पक्ष पर 100 रुपए का अर्थदंड लगाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र पांडे ने बताया कि हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं ने इससे पहले अदालत में ज्ञानवापी परिसर में बंद पड़े तहखानों के सर्वेक्षण की अपील की थी। अदालत ने मुस्लिम पक्ष को इस संबंध में आपत्ति दर्ज कराने के लिए समय दिया था, लेकिन समय पर काम न होने पर मुस्लिम पक्ष को फटकार पड़ी। ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में जिस जगह शिवलिंग पाए गए हैं उस जगह को पहले से ही सील किया हुआ है, लेकिन अब कोर्ट में हिंदू पक्ष की जिस याचिका पर सुनवाई हुई है उसमें साफ साफ मांग की गई है कि उस जगह में मुसलमानों की एंट्री बिल्कुल बैन की जाए और उस जगह को हिंदुओं को सौंपा जाए। इस याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब उम्मीद है कि कोर्ट 8 नवंबर को हिंदुओं के पक्ष में फैसला आएगा। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।